हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी के लिए और सुबह के देखिए बज रहा है 10:15, सॉरी 11:15 हो रहा है और आज हमारा मोटर रिश्ता चेंज हो गया है। मावरू ऐसे मत बोलिए, इसका नाम है मावरू और आज हमारी गाड़ी है छोटी वाली है, तो आज हम लोग इससे जा रहे हैं सैलेरियो से। और आज हमारे साथ देखिए अमित भाई है, बंधु है, और ये अपना आशीष भाई है। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, हम लोग अभी निकल चुके हैं और इधर देखिए बारिश हो रहा है। आज सुबह से ही बारिश हो रहा है बहुत तेज, अभी कुछ बारिश रुक गया है और रोड पे काफी ज्यादा पानी जम गया है। अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में आज जाएंगे दूसरे स्टोर पे, नहीं पहुंचेंगे कि नहीं। आपका कौन सा स्टोर है बताइएगा? किका जी हेलो, अमित का अमित भाई का स्टोर है किका जी, और आपका सांबा ना? यस सांबा, और इनका सांबा स्टोर है सांबा। मेरा नया नया स्टोर पे दो जगह हमको जाने को मिलेगा, पहले कभी गए नहीं इन लोग के स्टोर पे, तो आज जाएंगे देखेंगे कहाँ पे इन लोग का स्टोर है और आपको उधर का एरिया भी दिखाएंगे। देखिए रोड पे कितना पानी भर गया इधर, देखिए इधर रोड का जो है ना, रोड में गड्ढा है इसलिए पानी काफी ज्यादा जम गया इधर में। मेरे चाइनीज लोगों का नहीं है कि कुछ इंडिया से बदला हुआ है, इंडिया जैसा ही हो गया है ना पूरा तालाब। देखिए इधर कितना पानी रोड पे जम गया, ये कचरा है, जबकि साइड में नाली भी बना हुआ है लेकिन नाली का जो हाइट है वो ज्यादा है और रोड का जो हाइट है कम है, जिसके कारण इंजीनियर यहाँ पे भी काम किए। अभी जो हाथी है ये देखिए गया नहीं, ये हाथी ही इधर इधर। अभी देखिए ये जो मायावती का हाथी है अभी यहीं पे खड़ा है, ये लोग हिलने का नाम नहीं ले रहा है। जाएगा तो निकलेगा, ऐसे भी इन लोग के लिए पानी बरस गया है और इधर रोड में पानी भी जम गया है। तो अभी हमारी गाड़ी इधर से जाएगी रॉन्ग साइड से हम लोग पार कर रहे हैं इधर लेके, वो लोग देखिए वो लोग भी रॉन्ग साइड से आ रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी चलाने का जो रूल है, यहाँ पे दाहिने साइड में चलता है सब गाड़ी, अपने इंडिया में बाएं साइड हम लोग चलते हैं लेकिन यहाँ पे दाहिने साइड चलता है। लिम्पा सिंह, लिम्पा का मतलब होता है साफ करना, क्लीन करना। लिम्पा का मतलब होता है साफ करना और बिद्रू का मतलब होता है शीशा। तो अभी मैंने इसको बोला लिम्पा बिद्रू, तो देखिए इसको ग्लास को साफ कर दिया और अभी हम लोग कनेक्ट हो गए मेन रोड पे। आज देखिए संडे है तो पूरा रोड एकदम खाली है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर भी एकदम खाली है, कोई है नहीं यहाँ पे, नहीं तो पर डे यहाँ पे भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। आज पूरा रोड खाली है एकदम। पुलिस का ऑफिस है यहाँ पे, पुलिस चौकी बोलते हैं यहाँ पे, ये भी आज पूरा खाली है। इसमें गाड़ी कम दिख रहा है आज इसमें। इधर देखिए ट्रैफिक जाम लग गया है, बारिश का पानी जमा हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रोड का कितना गंदा हालत हो गया इधर बारिश होने के बाद, चेक करने के लिए ये देखिए रोड का बोर्ड इसने कैमरा। अभी देखिए इधर कितना गंदा हो गया है हालत रोड का बारिश होने के कारण। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जिससे हम लोग पास हो रहे हैं, ये मेन रोड नहीं है, ये वाला गली वाला रोड है जिससे हम लोग पास हो रहे हैं, जो मेन रोड है उस पर काम चल रहा है इसलिए डाइवर्स कर दिया इधर की ओर। ये देखिए रोड का ऐसा हालत है, रोड के किनारे देखिए ये लोग सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं लोग कमाने खाने के लिए। यहाँ पे लेडीज लोग बहुत ज्यादा काम करती है यहाँ पे, यहाँ पर जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोग काम करती है। आप लोग मानते हो कि नहीं, सही बात है? यस 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 मानते हो ना, लेडीज बहुत मेहनत करती हैं। यहाँ पे लेडीज लोग बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। आई एग्री विद यू। रोड का ये हालत है, रोड के किनारे देखिए लोग सब्जी और कुछ कुछ अपना प्रोडक्ट ये लोग सेल कर रहे हैं। लोग का मेहनत का दाद देना पड़ेगा, देखिए लोग काम कर रहे हैं, रोड ऐसा खराब है फिर भी लोग काम कर रहे हैं। इधर देखिए फ्रूट सेल कर रही है वो लेडीज, वहाँ पे देखिए फ्रूट सेल कर रही है, सब्जी सेल कर रही है। वहाँ पे एक देखिए एक दुकान है, मांगा एक्चुअली इधर का स्लैम एरिया है,
लुवांडा का स्लैम एरिया इसको बोल सकते हैं। देखिए कितना खराब हालत है इधर का, कंटेनर में घर बना लेते हैं। हम लोग इधर काम करते हैं, घर दिखाओ ना कंटेनर। और ये देखिए कंटेनर में घर बना हुआ, उधर देखिए वो कंटेनर वाला घर बना हुआ है। और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सिटी एरिया है, उधर बहुत ज्यादा साफ सफाई रहता है। अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, और देखिए वो वाला रोड से और मेन रोड में कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पे देखिए ये है, एक ये वाला लेन है, एक उस साइड वाला लेन है। देखिए दो लेन यहाँ पे है, और ये देखिए ये इग्रेजा बोलते हैं यहाँ पे, चर्च है एक, ये वाला एक चर्च है, एक इतना बड़ा चर्च है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग, हर एक लोग, लगभग 90% लोग संडे के दिन चर्च में आता है, अपने जैसे अपने इंडिया में जाते हैं ना पूजा करने के लिए मंदिर में। और यहाँ पे 90% लोग संडे के दिन में चर्च में आते हैं पूजा करने के लिए। इंडिया में तो अपने इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं ना मंदिर में, हम लोग बहुत सारे लोग नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे 90% है। यहाँ पे 90% लोग जाता है चर्च में पूजा करने के लिए। ये देखिए ये हमारा कंपनी का यहाँ पे स्टोर है, जिसका नाम है गोल्ड फ्रेश मार्ट। हम लोग आगे की ओर जाएंगे, अमित भाई का जो स्टोर है और आगे है मेरा स्टोर। ये सब्जी का मार्केट इधर लगा हुआ रोड पे, और यहाँ पे लोग सामान सेल कर रहे हैं, सब्जी सेल कर रहे हैं। कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पे खुली हुई। ये देखिए मार्केट में कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है इधर। ये वाला एक स्टोर है, स्टोर को बोलते हैं यहाँ लोजा, तो ये लोजा बोल रहा है। सुपर मार्केट है नोसा काजा करके, देखिए ये वाला ये भी एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, केरुकर के नाम है इसका, ये केरुकर के नाम है। देखिए कितना बड़ा सुपर मार्केट है यहाँ पे, हाइपर सुपर मार्केट है ये। ये अपने सुधांशु भाई का स्टोर है। अरे सर, सॉरी सर, उनका लंच लेके आए हैं, तो लंच हम इनको दे रहे हैं सुधांशु रंजन प्रिंस भाई के साथ में। ये सुधांशु भाई का स्टोर है नोवा विदा करके, इनका लंच देने आए थे हम लोग। जाके रुमाल में गा रहे थे, मैं आया तो मेरे को रवि भाई अभी ले लिए हैं सुधांशु भाई से पैसा गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। मार यू ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे 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 देखे। ये देखिए 5,000 का नोट है अभी लिया सुधांशु भाई से गाड़ी में तेल डालवाने के लिए। ये यहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है यहाँ का लुआंडे के। नोमी देखे सीओ रैली, ओके, इनका नाम अगुस्तु नेती है, जो कि यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे। बार बार इधर से देखिए पीछे से कुछ इस तरह का दिखते हैं 5,000 का नोट। ये है अंगोला का क्वांजा, मेरे को भी चार्जर लेना था। ये है देखिए यहाँ का मैक्स सुपरमार्केट, जो सुपर मार्केट हुआ मैक्स करके। ये इसका एंट्रेंस गेट है, इधर से एंट्रेंस गेट है इसका, और बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। आई थिंक ये बहुत बड़ा सुपरमार्केट है ना, इसके अंदर कम से कम ये देखिए बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये सब यहाँ पे ब्रांड का देखिए नाम लगा हुआ है, इसके अंदर ये लोग काम करते हैं। इधर भी है और एक इधर भी है, इसके जस्ट पीछे ही है, ये सुपर मार्केट है। नहीं काम करते ये नाम है इसका, इस नाम ही देखे कंदन सुपर मार्केट का। देखिए एक सुपर मार्केट है, फोटो आए हैं देखा है।
तो ये एक सुपर मार्केट है यहाँ का, बड़ा सुपर मार्केट। काफी बड़ा एरिया में बनाया हुआ है इसमें। शोरूम है लगता है ना, गाड़ी है। ये मित्सुबिशी का शोरूम है, हर तरह गाड़ी है। देखिए आगे समुंदर का नजारा, देखिए आगे का स्टोर। ये लोग देखिए स्टाफ लोग काम कर रहा है। आशीष भाई साथ में मिलते हैं, ठीक है। हमारा स्टोर है भाई सांबा फ्रेश मार्ट, ठीक है। हम यहाँ के कर्ता धरता है फिलहाल अभी। चलो ठीक है, रात में मिलते हैं। ओके, ये है आशीष भाई का स्टोर। ये देखिए यहाँ पे 5G का प्रचार किया हुआ है, एयरटेल का 5G का प्रचार किया हुआ है। यहाँ पे एयरटेल, यहाँ पे जो एयरटेल है वो यूनिटेल के रूप में काम कर रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंगोला जो लुआंडा का एयरपोर्ट के पास में। और ये देखिए जो बाउंड्री दिख रहा है, एयरपोर्ट का बाउंड्री है ये। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, वो देखिए ATS टावर है, ये वाला ATS टावर है यहाँ का। ये एयरपोर्ट है यहाँ का। हम लोग जब आए थे तो इसी एयरपोर्ट से आए थे, अभी जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत दिन अभी टाइम बाकी है। नंदू देखिए मुस्कुरा रहा है, उसका टाइम पहले आ जाएगा क्योंकि वो हमसे पहले आया था 5-6 महीने, हम उसके बाद आए थे, तो पहले चला जाएगा मेरे से, मैं उसके बाद जाऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है,
आ ही जाएगा टाइम। और इधर में देखिए यहाँ पे एक स्टेडियम है, ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ये लोग फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, फुटबॉल ये लोग ज्यादा खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए फुटबॉल का स्टेडियम है ये वाला। एंट्री गेट है यहाँ पे, देखिए गाड़ी लगी है, ये एंट्री गेट है, क्लब इंटरनेशनल फा दे अंगोला लिखा हुआ है, 1977 में बना हुआ है वो, ओला के पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट, यहाँ पे इनका स्मारक बना हुआ है। हम अभी पहुंच चुके हैं अपने स्टोर के पास में, तो हम अब मिलते हैं आपसे रात में। अभी देखिए बज रहा है 10:30, अभी बज गया है 10:30, ड्यूटी करके जा रहे हैं रूम पर, और अभी पहुंच गए हैं शॉप राइट के पास में, और गाड़ी में तेल कम है, तो हम लोग अभी तेल डलवाए हैं गाड़ी में, पहुँचने वाले हैं बोम्बा के पास, बोम्बा यहाँ पेट्रोल पम्प को बोलते हैं, पहुँचने वाले हैं, देखिए पेट्रोल पम्प के पास आ चुके हैं, यहाँ पे तेल डलवाएंगे। सुबह भी डलवाए थे 5,000 का, वो दूसरी गाड़ी थी, और अभी दूसरी गाड़ी है, तो अभी 5,000 का और डलवाएंगे। ये रहा देखिए यहाँ का पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप 5,000 से फिट कर दिया, अब हम लोग 5,000 का तेल डलवाएंगे, 5,000 का 37.04 लीटर तेल आया है। और ये विनोद भी आ गया है, जो बोलो लेकर आया है, ये क्या है बताओ, एनिवर्सरी है, ये क्या लेकर आया विनोद? तो अभी हम लोग पहुँच गए रूम पे, और चलते हैं खाना खा लेते हैं।